हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 का, जो कि था विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारी, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। सेकेंड, द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज ऑफ माइनर मिनरल्स, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 और 3 ओनली। ठीक है जी, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे जो हम सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की अगर हम बात करें, तो उसके अकॉर्डिंगली माइनर मिनरल हमने सैंड को एक तरह से डिफाइन किया है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो सेम एक्ट यानी कि माइंस एंड मिनरल्स की डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट की बात करते हैं, तो उसका जो सेक्शन 23 है वो यही कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फ्रेम करे रूल्स टू प्रिवेंट द इलीगल माइनिंग ऑफ द माइनर मिनरल्स। ठीक है जी, तो सेकेंड क्वेश्चन की या सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर आज सच नहीं दी गई है माइनर मिनरल्स को लेके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, क्योंकि सिर्फ पावर है सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, तो द नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 8, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द एटमोसफेयर। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, तो इसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है, बट एज सच इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर ये नहीं है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है ये चैप्टर। तो हमने देखा है कि हमारा जो अर्थ का एटमोसफेयर है, बहुत ही रिसर्च के बाद या बहुत ही ज़्यादा स्टडी के बाद हमने देखा कि हमारा जो अर्थ का एटमोसफेयर है, दैट इज डिवाइडेड इंटू सेवरल लेयर्स, या अगर हम बात करते हैं बहुत सारी लेयर्स के साथ साथ बहुत सारी बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है, और ये मेन जो हमारी लेयर्स हैं वो है 5। ठीक है जी, तो इसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर है। आइनोस्फेयर जो है एज सच हम कह सकते हैं मेजर लेयर्स में नहीं आती, बट एक इम्पॉर्टेंट लेयर ज़रूर है। ठीक है जी, तो ये लेयर्स जो हैं, दीज आर इनविजिबल, एक्चुअली हम देख नहीं सकते हैं इन सारी लेयर्स को। तो वो तो बहुत सारी रिसर्चेस के बाद हमें पता लगा कि इन सारी लेयर्स को, या डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स के बाद, या डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स के बाद जो है डिफरेंट हम देखते हैं कि सिनेरियो ही चेंज हो जाता है कहीं पे, तो सभी का अपना अलग अलग जो हम कह सकते हैं फीचर्स हैं, सभी की अपने अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो देख लेते हैं कौन सी लेयर्स हैं ये। सबसे पहली है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह से लोअर मोस्ट लेयर है, यानी कि अर्थ के सबसे नियरेस्ट जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसकी एवरेज हाइट की बात करें, एवरेज हाइट जो है वो है 13 किलोमीटर्स। ठीक है, जो कि पोल्स पे हो जाती है 8 किलोमीटर्स और इक्वेटर पे हो जाती है 18 किलोमीटर्स, इसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो पोल्स हैं या फिर जो हमारी अर्थ की शेप है और साथ ही साथ उसकी इंक्लिनेशन है, कहीं ना कहीं इसका रीज़न वही रहता है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, या अगर हम बात करें पोल्स की बात करते हैं, वहाँ पे इतना हाई रेट नहीं रहता है ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, तो उसकी जो थिकेस्ट फॉर्म अगर हम बात करते हैं वो ज़्यादातर इक्वेटर के पास ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता है, जो भी इवेंट्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट्स, अगेन एक साइंस का जो अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं हमारे, हमने पढ़ा है कि हमारी कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो उसी का एक पार्ट होता है कन्वेक्शनल करंट्स। ठीक है जी, तो कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे होता है कि जो हमारी अगेन अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे, और उसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सबसे लोअर मोस्ट एलिमेंट होगा ये होगा सबसे हैवी। ठीक है, तो जैसे ही हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, या अर्थ की तरफ से जितनी भी हीट जा रही है, ये हीट अप होने के बाद क्या हो जाएंगे, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे लाइट। तो लाइटर जो एलिमेंट्स है वो चला जाएगा ऊपर, और जो यहाँ की जो सेकेंड लेयर है पार्टिकल्स की फॉर्म करेगी, वो नीचे आ जाएगी, अगेन नीचे आ जाएगी, एंड ऊपर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, अगेन अगर हम उसकी बात करते हैं, वो
और भी नीचे आ जाएगी। तो डिफरेंट लेयर्स के अकॉर्डिंगली, लेयर्स यानी ट्रोपोस्फेयर के बीच में ही अगेन बहुत सारी लेयर्स हैं जो कन्वेक्शनल करंट के थ्रू इनका हीटिंग वाला सिस्टम हम देखते हैं कि वो चलता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेनली कंसिस्ट क्या करता है, ये डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेदर कंडीशंस के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स की अगर हमने बात की थी तो साथ ही साथ यहाँ पे हम हम ले सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ पे इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन वाला प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि जो भी गर्म चीज़ें हैं अगेन ऊपर जा रही है, कंडेंस होकर हम कह सकते हैं वापस से नीचे आ रही है, तो एक तरह से ये भी कन्वेक्शनल करंट का ही पार्ट है। सिमिलरली इसका एक ये फीचर भी है कि जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे या ऑल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो हो जाएगा डिक्रीज, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट। ठीक है जी, और सिमिलरली ये एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव अगर हम देखते हैं तो ये लेयर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं अगेन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं या क्लाइमेटिक या वेदर कंडीशंस जो हैं वो इस लेयर की वजह से बनी है। तो जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फेयर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ के जितने भी डिप्रेशंस थे वो फिल किससे हुए, विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। ठीक है जी, फर्स्ट रेनफॉल के बाद क्या हुआ, प्रोसेस शुरू हो गया इवेपोरेशन का और कॉन्डेंसेशन का। ठीक है जी, उसके बाद क्या हुआ फर्दर, हमने ये देखा कि हमारा हाइड्रोस्फेयर की फॉर्मेशन हो गई और साथ ही साथ क्या हुआ, मेरीन लाइफ शुरू हुई और टेरेस्ट्रियल लाइफ भी साथ ही साथ हम कह सकते हैं वो शुरू हो गई। तो इसका हम किसको श्रेय देते हैं, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो है बेसिकली, अगर हम देखें तो वो है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन का प्रोसेस जो कि होता है सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में। तो अगर हम बात करते हैं अब ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर को डिफरेंशिएट या सेपरेट करने वाली एक लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ये सेपरेट करती है ट्रोपोस्फेयर को स्ट्राटोस्फेयर से, यानी कि फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर, तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली क्या है, हमारी ट्रोपोपॉज। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, और टेम्परेचर जो है इक्वेटर पे देखते हैं -80 डिग्री सेल्सियस होता है एंड पोल्स पे है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो अगली लेयर आ जाती है हमारी स्ट्राटोस्फेयर। तो स्ट्राटोस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये लेयर जो है ट्रोपोपॉज के ऊपर पाई जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर को अगर हम बात करें वो स्ट्राटोस्फेयर है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, और इसमें ही हमारी प्रेशियस ओजोन लेयर जो है वो पाई जाती है, और ओजोन लेयर हमारी किस में हेल्प करती है, यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने के लिए जो कि हमारे सन से आती हैं अर्थ की तरफ। सिमिलरली यहाँ पे हम ये चीज़ देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है विद इंक्रीज इन हाइट। पिछली लेयर में यानी कि ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो हाइट के साथ हमारा टेम्परेचर हो रहा था डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट, वेराज यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर है दैट इज वेरी मच ड्राई एंड वेरी थिन, और जो थिन एयर या ड्राई एयर से अगर हम बात करते हैं तो होगी डेंसिटी कम। डेंसिटी कम तो अगर हम बात करें तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो साथ ही साथ होगी हमारी फ्रिक्शन भी कम। फ्रिक्शन कम होगी तो क्या होगा, हमारी जेट्स के लिए यानी कि हमारे वेदर बलून्स के लिए या हमारे एयरक्राफ्ट्स के लिए ये हो जाती है बिल्कुल ही आइडियल सिचुएशन। तो स्ट्राटोस्फेयर क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लेयर अगेन बन जाती है। तो हमारी नेक्स्ट जो है दैट इज मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है, जो लेयर अबव द स्ट्राटोस्फेयर एग्जिस्ट करती है वो है हमारी मीजोस्फेयर। ठीक है जी, तो मीजोपॉज जो है वो अपर लिमिट है मीजोस्फेयर की, यानी कि मीजोस्फेयर जहाँ खत्म होती है, यानी कि ये मीजोस्फेयर खत्म हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो अपर मोस्ट इसका जो पॉइंट है या लिमिट है इसको हम बोलेंगे मीजोपॉज। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं अगेन उल्टा शुरू हो जाता है, यानी कि हम बात करें ट्रोपोपॉज की या ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, ट्रोपोस्फेयर की तरह ही यहाँ पे भी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा जो
इंक्रीज इन हाइट, सॉरी, जो हमारा टेम्परेचर है वो हो जाता है डिक्रीज होना शुरू। तो इसका टेम्परेचर कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और इसकी हाइट है 80 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सर्फेस, और इसे हम बोलते हैं एक तरह से कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर। और ये मीजोस्फेयर की अगर हम बात बोले तो ये एक इम्पोर्टेंस है, या हम कह सकते हैं खासियत है, कि जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है मीजोस्फेयर में वो करती हैं हेल्प फ्रिक्शन करने में और हीट अप करने में और बर्न अप करने में उन सारे एलिमेंट्स को जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुस जाते हैं। यानी कि अगर हम मीटियोर्स की बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, तो एक तरह से ये एक प्रोटेक्टिव लेयर हम कह सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे या इस लेयर में जितने भी एलिमेंट्स घुसते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से हो जाते हैं बर्न अप, हीट अप एंड डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो अगली हमारी लेयर रही आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर विद द नेम ही हम कह सकते हैं यहाँ पे किसकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ आयंस, ठीक है जी। तो ये है बिटवीन 80 किलोमीटर्स एंड 400 किलोमीटर्स अबव द मीजोपॉज ये एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे क्या है, कंटेन करती है ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जिसको हम बोलते हैं आयंस। एंड थर्डली के जो रेडियो वेव्स है, इसकी इम्पोर्टेंस अगेन हम बात करते हैं, तो हमारी जो रेडियो वेव्स है वो अर्थ से ये ट्रांसमिट कर देती है वापस, ठीक है जी। कि जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो है ये उसके बेसिस पे सेट की जाती है, हमारी आइनोस्फेयर के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, उसी के बेसिस पे अगेन जो है हमारी ये रेडियो सिग्नल्स को कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक जगह से दूसरे डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए, ठीक है। सो द अर्थ रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सर्फेस बाय दिस लेयर। यहाँ पे भी विद द इंक्रीज इन हाइट हम देखते हैं टेम्परेचर हो जाता है बढ़ना शुरू, ठीक है। ये एक डायनामिक रीजन है, यानी कि कॉन्स्टेंट जो है वो नहीं है, स्टेबल जो है ये नहीं है, एक तरह से हम कह सकते हैं ऑलवेज ये कम होती रहती है, ग्रो करती रहती है या श्रिंक करती रहती है बेस्ड ऑन द सोलर कंडीशंस। क्योंकि जो एक्सरेज हैं हमारे सन की तरफ से आती हैं, ठीक है जी। तो सन की तरफ से जो एक्सरेज हम देखते हैं वो आ रही हैं एंड इसे वो कर देती है आयोनाइज, यानी कि कह सकते हैं ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है जी। तो ब्रेक डाउन होने के बाद अगेन क्या होता है, एक तरह से ये अगर तो रेडिएशन ज़्यादा है एक्सरे की, तो ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोसेस होगा तो ये हो जाएगी ग्रो, अगर कम है तो उसी अकॉर्डिंगली अगर हम कह सकते हैं हो जाएगी श्रिंक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर बन जाती है हमारे एटमोसफेयर की। तो अगेन द नेक्स्ट एंड द लास्ट लेयर इज एक्सोसफेयर। एक्सोसफेयर को हम बोलते हैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और ये थर्मोसफेयर से ऊपर रहने वाली हमारी लेयर है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेरिफाइड कंटेंट जो है हम कहते हैं, और ये यहाँ पे मैक्सिमम जो पानी पाए जाने वाली चीज़ें हैं या एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। और मैक्सिमम कुछ थोड़े बहुत हम कह सकते हैं हैवियर या डेंसर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेरिफाइड है, ठीक है। और ये एक्चुअली में कह सकते हैं हम इसकी जितनी जितनी जैसे जैसे बाहर वाली लेयर्स को अगर हम चेक करते हैं, ये वाली बाहर वाली लेयर्स को अगर हम चेक करें तो ये आउटर स्पेस के साथ जाके कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि मर्ज हो जाती है। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही। तो अब हम देखते हैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2012 का, जो कि ये है कि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द स्पेस ट्रैवलिंग एट स्पीड्स ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकेंड कैन सिवियरली हार्म लिविंग बींग्स इफ दे रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ। What prevents them from reaching the Earth's surface? First, the Earth's magnetic field diverts them towards its poles. Second, ozone layer around the Earth reflects them back to the outer space. Third, moisture in the upper layers of atmosphere prevents them from reaching the surface of the Earth. Fourth, none of the statements A, B and C given in the above is correct. तो मिलेंगे हम इसके आंसर के साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच।